दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज ईवीएस जो पीआरटी के अंदर एक मेन सब्जेक्ट के रूप में होता है, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम करेंगे। 6 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। हर बार आपको बताया जाता है कि लगभग 700 से 800 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में जो पूछे गए हैं ईवीएस के पीआरटी में, वहां से हम लोग सारे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और आप लोगों को सभी को डिस्कस करवाया जाएगा ताकि सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस या दूसरे एग्जाम में आप लोगों को पीआरटी में ईवीएस का कोई क्वेश्चन ऐसा ना मिले जो आपने ना किया हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा पास करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, सर्वदर्शी सामग्री, पाठ्य पुस्तक या फिर श्याम पट, आपका आंसर होगा विज्ञान क्लब यानी साइंस क्लब। क्वेश्चन नंबर 7, 3, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मिश्रण, पृथक्करण, छानना या फिर ऊर्ध्वपातन, तो आपका आंसर होगा पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सर्वदर्शी सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, चार्ट एवं ग्राफ सर्वदर्शी सामग्री है, आपका आंसर यही इसमें ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को क्या कहा जाता है? इसे आप लोग पायलट स्टडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहा जाता है? उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है। घड़ी की यानी वॉच की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न को सावधानी से देखिए, उपरोक्त यातायात का अर्थ उपरोक्त जो यहां पर दिया गया है, उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ आपको बताना है। मुख्य सड़क है, ये संकरी पुलिया है, रेलवे फाटक है या खराब सड़क है, आपका आंसर होगा ये खराब सड़क का संकेत या सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? इसका कारण दोस्तों वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है कहां पर? छोटी आंत की दीवार से। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, क्या आवश्यक होते हैं? तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं परणहारी। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता, इसका कारण आपको यहां पर बताना है, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से मानव शरीर हड्डियों का ढांचा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊन प्राप्त होती है, ऊन आपको भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18, बंदर, शेर तथा चूहे के घर कर्म से आपको बताने हैं, बंदर, शेर तथा चूहे के घर आपके बताने हैं। अब देखिए, जैसे ये सीरियल बना हुआ है ना, वैसा ही सीरियल आपको देखना है। अब इसमें देखिए, बंदर घोंसला, बंदर घोंसले में तो रहेगा नहीं, बंदर गुफा, गुफा में भी नहीं रहेगा, बंदर पेड़, पेड़ पे बिल्कुल रहेगा, बंदर बिल, बिल में बंदर कैसे आ सकता है? तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो घरों का कर्मश वर्णन यहां पर किया गया है, लेकिन
और सबको बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। बंदर शेर तथा चूहे के घर क्रमश है, बंदर पेड़, शेर गुफा में, चूहा बिल में, तो आपका आंसर यहां पर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उन्हें आप लोग अपघटक कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, विषाणु कहते हैं, या फिर आप उन्हें फफूंदी कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर का एस्टिमेट भी लग जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ फोर्थ रहेगा। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन जो है आनुवांशिकी के लिए उपयोगी माना जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21वें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो आपको इसमें दिया गया है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुण सूत्रों से, माता के गुण सूत्रों से, आपका आंसर ऑटोमेटिकली पिता के गुण सूत्र आएगा। त्वचा, क्वेश्चन नंबर 22, त्वचा का मुख्य संगठन कौन है? कोलेजन है, पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट है, या न्यूक्लिक अम्ल है? आपका आंसर इसमें रहेगा कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 23वां, सोते समय रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता है, या पहले जैसा रहता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 24वां, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य आपको बताना है, क्या कार्य है? रोगों से रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 25, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलित अतिवृद्धि विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है, उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है? अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं, ध्वनि तरंगे नहीं, अल्ट्रासोनिक तरंगे, यस राइट। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब आते हैं, 26 के बाद आते हैं 27वें पे, उत्तक यानी टिश्यू इनमें से किससे बना होता है? उत्तक किससे बना होता है? आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाओं से। जब एक ही उत्पत्ति की अनेकों कोशिकाओं को जोड़ दिया जाता है या जुड़ जाते हैं तो उनसे टिश्यू यानी उत्तक बनते हैं, तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28वां, यहाँ पर प्रिंटिंग में शायद नंबर गलत है, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा जो कीट होता है वो एफिड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चरण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? डार्विन ने किया था। 30वां क्वेश्चन है, मांस या मछली जिन पर नमक छिड़क दिया जाता है वे लंबे समय तक मोल्ड एवं बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं, क्यों? इसका रीजन बताना है, तो इसका रीजन है लवण मांस में नमी को शोषित कर लेते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के चैप्टर नंबर टेस्ट नंबर 7th के आपके 7 क्वेश्चन। कल फिर हम मिलेंगे, कल टेस्ट नंबर 8 हम कोशिश करेंगे करने की आपके लिए। और अगर आप लोगों को सारे के सारे प्रैक्टिस सेट ये वैसे चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप PDF को डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए CTET का, DSSB का, KVS का, NVS का, आर्मी स्कूल का, STAT, UPTET, SuperTET, MPTET और REET वगैरह का, तो आप लोग स्क्रीन के नीचे ऊपर दिए गए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर 8447410108, दोबारा बोल देता हूं 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपके पास पर्याप्त अध्ययन सामग्री है, स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, किताबें हैं, नोट्स हैं, तो हम आपके साथ वैसे चलने को तैयार हैं। जितना भी आप लोगों की मदद होगी हम करेंगे, उसके लिए सिर्फ आप अपना नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें जो मैंने अभी बताया था, 8447410108। आप लोगों को जितनी मदद हो पाएगी हम करते रहेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।